अरे अमर सिंह, आज गेट पर किसी और की ड्यूटी है क्या जो तुम अंदर आ गए? नहीं सर, वो मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। हाँ बताओ, क्या बात है? सर मेरी एक बेटी है, उसकी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है, अब वो UPSC की तैयारी करना चाहती है। हाँ तो कर ले, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सर कोचिंग के लिए 1,00,000 रुपये चाहिए, अगर आप मुझे 1,00,000 रुपये का लोन कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। लोन कर दूँ? देखो अमर, ये बैंक है, यहाँ सिर्फ अमीर लोगों के लोन होते हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी घर वगैरह होते हैं। बैंक तुम जैसे गरीब सिक्योरिटी गार्ड मजदूरों को लोन नहीं देता। चलो अब जाओ, अपना काम करो और मुझे भी अपना काम करने दो। साहब प्लीज, अगर आप चाहेंगे तो मुझे 1,00,000 का लोन हो जाएगा, मैंने इस बैंक को 20 साल दिए हैं। 20 साल तूने बैंक को दिए तो उसके पैसे भी तो लिए हैं, फ्री में थोड़ी ना किए तूने ड्यूटी। साहब मेरी बेटी बहुत होशियार है, अगर आप लोन कर देंगे तो जरूर अधिकारी बन जाएगी। तुझे एक बार का समझ नहीं आता अमर? देख, तेरी बेटी ने जब ग्रेजुएशन कर ली है तो उसे सिलाई मशीन दिलवा, कढ़ाई बुनाई सीखेगी तो कुछ पैसे भी कमाएगी। उससे बोल ये अधिकारी बनने का सपना छोड़ दे, ये सिर्फ हम अमीरों के लिए है, तुम गरीबों के लिए नहीं। और सुन, दो चाय भिजवा देना। पिताजी क्या हुआ, आप बहुत देर से शांत बैठे हो और परेशान भी लग रहे हो। बेटी मैंने तेरी पढ़ाई के लिए मैनेजर साहब से लोन मांगा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, कहने लगे तुझे सिलाई बुनाई का काम सिखा दे, पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं। चलो पिताजी कोई बात नहीं, शायद अफसर बनना मेरे नसीब में ही नहीं है। नहीं बेटी ऐसी बात मत कर, ऐसा कर कल मैनेजर साहब से तू खुद ही मिला। मैं? पर क्यों पिताजी? देख तू उनसे बात करेगी तो अलग ही फर्क पड़ेगा, शायद तुझे देखकर तुझसे बात करके उन्हें महसूस हो कि तू पढ़े लिखने में बहुत तेज है तो शायद तुझे लोन दे दें। पर पिताजी उन्होंने आपको ही मना कर दिया तो मुझे लोन क्यों देंगे? देख बेटी इसके अलावा और कोई चारा नहीं है हमारे पास, तू एक बार मिल ले, क्या पता तुझे पढ़ा लिखा देख कर मैनेजर साहब लोन दे दें। ठीक है पिताजी, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो मैं कल मिलाती हूँ फिर से। सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ जी आइए। बताइए क्या बात है? सर मैं अमर सिंह की बेटी हूँ, उन्होंने आपसे लोन के लिए बात की थी ना, तो बस इसी की रिक्वेस्ट के लिए आई हूँ। सर प्लीज लोन दे दीजिए, मेरा सपना है बड़ा अधिकारी बनने का। बैठो। हाँ तो तुमको अधिकारी बनना है, लेकिन अधिकारी बनके करोगी क्या? सर मैं सबसे पहले ये लोन चुकाऊंगी, उसके बाद गरीब बच्चों की मदद करूंगी जो कि पढ़ लिख कर मेरी तरह एक बड़ा अधिकारी बनना चाहता है। चलो तुम लोन मांग रही हो तो मैं लोन सैंक्शन कर दूंगा, बस तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम सर? एक ही तो काम है जो तू मेरा कर सकती है, खूबसूरत है, जवान है। सर सर प्लीज नहीं छोड़ूंगी, मैं ये सब नहीं करूंगी, सर मैं पढ़ना चाहती हूँ। देख चुपचाप करने दे, वरना लोन तो तुझे मिलेगा ही नहीं, तेरे बाप को भी नौकरी से भगा दूंगा। सर सर प्लीज। तुझे समझा रहा हूँ तुझे, हाँ तेरी समझ में नहीं आता, अब देख क्या करता हूँ मैं तेरे साथ। सर प्लीज मुझे जाने दो। साले तू इतना गिर जाएगा, मैंने कभी सोचा नहीं था। चलो आओ तुम मेरे साथ। देखो मेरा नाम विकास है, तुम बताओ क्या नाम है तुम्हारा?
और क्यों आई थी तुम वहाँ? सर मेरा नाम अमृता है और मैं अमर सिंह की बेटी हूँ। जब मैनेजर ने पिताजी को लोन देने से मना कर दिया तो पिताजी ने मुझे एक बार और रिक्वेस्ट करने मैनेजर के पास भेजा, लेकिन बस मैं समझ गया, अब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। देखो मेरी जानकारी में है कुछ लोग, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं उनसे बात करूंगा, तुम्हें लोन जरूर मिल जाएगा। तुम्हें लोन भी मिलेगा, तुम कोचिंग भी कर पाओगी और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम एक दिन बड़ी अधिकारी भी बनोगी। थैंक यू सो मच विकास सर। सर नहीं, विकास बोलो बस। सर आपने जो शक्ति इंडस्ट्री को लोन दिया था, उनकी कंपनी लॉस की वजह से दिवालिया घोषित हो गई है। अब डीएम ने आप पे सख्त कार्रवाई करने को बोला है। क्या? अब क्या करूं मैं? मैंने तो उस इंडस्ट्री को 10 करोड़ रुपए का लोन दिया था, अब बैंक सारा रुपया मुझसे ही वसूल करेगा। अब तू ही बता दीपक, मैं क्या करूं? सर आप एक बार डीएम से मिल लो, अब वही आपकी हेल्प कर सकते हैं। चलो ठीक है, मैं कल ही जाता हूं। मैं कम इन मैम। आइए। अरे मैडम तुम? मेरा मतलब मैम आप। हाँ जी मैं। याद आया कुछ? किस तरह तुमने मुझे लोन नहीं दिया मेरी पढ़ाई के लिए, उल्टा मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैम प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आगे से कभी भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा। गरीब किसान मजदूरों को लोन नहीं देते और अमीरों को बिना सिक्योरिटी के लोन दे देते हो। पैसे दे देकर तुमने अपना प्रमोशन सीनियर मैनेजर तक करवा लिया, लेकिन बेटा अब तुम बचोगे नहीं, तुम्हें जेल तो होगी ही और तुम्हारी प्रॉपर्टी भी जब्त होगी, तब तुम जैसे लोगों को सबक मिलेगा। मैडम पर मेरी बात तो सुनिए। अब जो भी बात होगी कोर्ट में होगी। अभिषेक ले जाओ इसको।